समय की बात है, महिमा शहर में अपनी पढ़ाई करने आई हुई थी। महिमा की एक बहुत ही अच्छी सहेली थी जिसका नाम मनीषा था। एक दिन महिमा की माँ का फोन आता है और वो महिमा को उसकी भाई की शादी के लिए घर बुलाती है। महिमा अगले दिन अपनी सहेली मनीषा को इस बारे में बताती है, मैं अपने घर जयपुर जा रही हूँ। आज मैं आपको ये कार्टून वीडियो बताने जा रहा हूँ क्रिएट करना। इस कार्टून वीडियो के ऊपर आप यदि मंथली कंटिन्यू वर्क करते हैं और फिर उसको अपने यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते हैं अपने कार्टून वीडियो को क्रिएट करके, तो आपको यूट्यूब पे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। यह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। आज मैं आपको कार्टून वीडियो क्रिएट करना सिखाने जा रहा हूँ, वो भी बिना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एक ही एप्लीकेशन में से आपको कंटेंट लेना है, वाई क्रिएट करना है, सब कुछ एक ही एप्लीकेशन में करना है। कोई फालतू के एप्लीकेशन ऐप कोई डाउनलोड नहीं करने हैं आपको। बहुत सारे क्रिएटर आपको बहुत सारे ऐप डाउनलोड कराते हैं, उसमें ही आपके पूरे दिन का डाटा खर्च हो जाता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री में एक ही एप्लीकेशन से, और वो भी बिना कॉपीराइट फ्री, कोई भी उस पर कॉपीराइट नहीं आएगा। तो चलिए, हमें कैसे ये क्रिएट करना है, कहाँ से कंटेंट लेना है, कहाँ से इसको एडिटिंग करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है और मेरी चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम वीडियो को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। आपको कार्टून वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। पहली बात है कॉन्टेंट, फिर है हमारा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड हमें कहाँ से डाउनलोड करना है, मात्र एक ही ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड के लिए डाउनलोड करना है, वो है हमारा इमेज सर्च। ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, यदि आप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें अच्छा सा बैकग्राउंड डाउनलोड कर देना। यहाँ पे आपको सर्च करना है कार्टून वीडियो बैकग्राउंड, इस प्रकार से आपको सर्च करना है। आपको यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे। देखिए बहुत अच्छा सा बैकग्राउंड है, सूर्य उदय हो रहा है। इसको आपको डाउनलोड करना है। यदि इसको करना है गांव का है, डाणी का है, तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर देना है। अब यहाँ से बाहर आ जाना है। अब हमें कॉन्टेंट कहाँ से लेना, आप अभी को बताऊंगे मेरे को कि आप तो मना कर रहे थे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी। हाँ, मैं बिल्कुल ही सही आपको कह रहा था। कोई क्रिएटर बड़े होते हैं, वो आपको पहले बोलते हैं कि ऐसा ऐसा करना है, लेकिन वीडियो के अंदर जाते हैं फिर पता चलता है कि अंदर कुछ और हैं और बाहर दिखाने के लिए कुछ और है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब पर आ जाना है। यूट्यूब तो आपके पहले से ही होगा डाउनलोड किया हुआ। यूट्यूब पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर ऊपर ही सर्च करना है। क्या सर्च करना है, ग्रीन स्क्रीन कार्टून वीडियो, सिंपली यही आपको सर्च करना, दूसरा कुछ नहीं करना। गाइस, यदि आपने मेरी चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से एक सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। मैं आपसे एक ही मांगता हूँ, वो है मात्र एक सब्सक्राइबर, जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हमें यह सर्च कर देना है ग्रीन स्क्रीन कार्टून वीडियो। यह सर्च करने के बाद ऊपर ही आपको देखिए यहाँ पे बहुत ये हैं 75 वीडियो है इस प्लेलिस्ट में, इसके ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। या इसकी चैनल पे जाके आपको पॉपुलर पे चेक करना है, इस पे टैप करना है और यहाँ से इस चैनल पे जाना है और यहाँ पे जो पॉपुलर वीडियो होते हैं ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे वीडियो है। यदि ये आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक चैनल का नाम मैं दिखाऊँगा, ये चैनल है SD1 Teach, इस पर आपको जाना है। या जाने के बाद ये वाला वीडियो है वो आपको डाउनलोड कर देना है, चुड़ैल वाला, ये आपको डाउनलोड कर लेना है गैलरी में। कैसे डाउनलोड करना है वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइन के ख़िलाफ़। यदि इतना भी आप जानना चाहते हैं आपको पता नहीं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के पेज के ऊपर जाना है और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके मेरे को मैसेज करना है। इसको आपको डाउनलोड कर देना है गाइज। डाउनलोड करने के बाद मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, अब हम इसको एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, VN है, बहुत सारे काइन मास्टर, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा काइन मास्टर में। ये रहा हमारा काइन मास्टर, इस काइन मास्टर में मैं आज आपको एडिटिंग करना सिखाऊंगा। आपने
काइन मास्टर डाउनलोड नहीं किया हुआ है और आपको पता नहीं कैसे एडिटिंग करते हैं, आप पहली बार हैं, तो इसको ऐप आप जाके एडिटिंग के लिए इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ये मैं ओपन करता हूँ। सबसे पहले आप भी ओपन करोगे, इस प्रकार से आपका भी इंटरफेस खुलेगा, आप पहली बार करोगे तब भी। और आपको ऊपर से ऐड को कट कर देना है, जो भी ऐड है, ये मेरे पहले से एक वीडियो एडिट किया हुआ है, इसे मैं हटा देता हूँ। अब आपको सबसे पहले ऊपर ही आएगा क्रिएट न्यू, इस पे आपको सिंपली टैप कर देना। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे किस पे सेलेक्ट करें, लेकिन ये है हमारा राइट, क्योंकि इस पे लॉन्ग वीडियो बनता है यूट्यूब पे, इस पे शॉर्ट वीडियो बनता है ये इंस्टा के लिए, ये बहुत अलग अलग हैं, हमारे लिए ये दो ही हैं। ये हमें लॉन्ग वीडियो बनाना है तो 16:9 का रेशियो सेलेक्ट करना है, शॉर्ट हैं तो 9:16 का, तो आज हम 16:9 रखेंगे क्योंकि हम लॉन्ग वीडियो बना रहे। अब आपको क्रिएट पर टैप कर देना है, ऊपर एड जो भी आती है उसे आपको कट कर देना है। कट करने के बाद इस प्रकार से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहले मीडिया पे जाना है, यहाँ पे हमारा सबसे पहले इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले पिक्चर पे जाने के बाद, यहाँ पे आपने जो वीडियो के लिए बैकग्राउंड डाउनलोड किया था उस बैकग्राउंड को यहाँ पे हम ले आते, पिक्चर में जाके आपको यहाँ से बैकग्राउंड जो भी डाउनलोड किया था, हमने ये दो बैकग्राउंड किए थे डाउनलोड, इस दो बैकग्राउंड को मैं लेके आ गया। अब इसकी लेंथ को बढ़ा देना है, इसकी लेंथ, वीडियो हमारा 2 मिनट का है तो इसकी लेंथ भी बढ़ा देनी, 2 मिनट ही कर देनी है। इस प्रकार इसको 1 मिनट का कर देता हूँ, 1 मिनट का दूसरा, यदि इसको ही 2 मिनट का करना चाहते तो भी रख सकते, अलग अलग रखना चाहते तो भी आप रख सकते। अब इसकी लेंथ भी बढ़ा देता हूँ, इस प्रकार से इसकी लेंथ भी बढ़ा देते हैं, ये 2 मिनट का हो गया, 2 मिनट का पूरा में रख देते हैं इसे। अब गाइज आपको क्या करना है, ये बैकग्राउंड है, इसमें दोनों साइड जगह छूट रही है, इसे बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए इस पे टैप करना है और यहाँ पे पेन जूम का ऑप्शन दिख रहा है कोने में, यहाँ पे इस पेन जूम पे टैप कर देना और इस 2 अंगुली से इसे जूम कर देना। गाइज मैं आपको जानकारी कार्टून वीडियो करने की परफेक्ट दूंगा, लेकिन आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको बीच में स्किप कर दिया तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं, आपको वीडियो को लास्ट तक ही देखना है। अब गाइज आपको क्या करना है, ये हमारा बैकग्राउंड तो आ गया, ये तो जूम ही है पहले ऑलरेडी। अब आपको यहाँ से लेयर पर जाना है, लेयर पर जाने के बाद मीडिया पर, मीडिया पर जाने के बाद यहाँ से हमने जो वीडियो डाउनलोड किया है उस वीडियो को ले आना, ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो को। ये हमारा वीडियो आ गया। गाइज आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसे ग्रीन स्क्रीन को कैसे हटाए, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। आपको मैंने वादा किया था कि मैं दिखाता बार जो भी हूँ पहले आपको बताता हूँ, वो ही आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन कोई यूट्यूबर बड़े होते हैं, खतरनाक होते हैं, वो आपको दिखाते कुछ हैं और हैं और करते भी कुछ और हैं। अब इसमें ग्रीन स्क्रीन को हटाने के लिए आपको इस ग्रीन स्क्रीन पे टैप करना है और यहाँ पे कोने में जाऊँगे नीचे तो क्रोमा की आएगा, इसे इनेबल कर देना, इनेबल करके 28 को 50 कर देना। देखिए हमारा ग्रीन स्क्रीन हट गई, अब हमें इसे थोड़ा जूम कर देना ताकि अच्छा लगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से हम इसे जूम कर देते हैं यहाँ पर। अब पीछे ये हमारी लेंथ थोड़ी छोटी हो रही है, वीडियो बड़ा है तो वीडियो को थोड़ा हटा देते हैं पीछे से। हटाने के लिए इस वीडियो पे टैप करना और कैची पे ट्रिम स्प्लिट पे और ट्रिम राइट कर देना, यह हट गया इस प्रकार से। अब मैं एक बार स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ कितना शानदार बना। इसे थोड़ा नीचे रखना चाहते तो यहाँ पे इस प्रकार से नीचे आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड के लिए। देखिए ये शिकार ढूंढने के लिए जा रही। अब गाइज आपको सबसे पहले इसमें जो ये मिक्सर है, इस मिक्सर को आपको जीरो कर देना है, इसकी आवाज़ को हमें मिक्सर पे जाके जीरो कर देनी है क्योंकि इससे कॉपीराइट आने की संभावना रहती। इसमें आपको वॉइस ओवर करनी है अपने मुंह से, तो कैसे करनी है, या रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है इस पे जाके आपको करनी है, इस पे जाके आपको ये बोल रही थी इसी प्रकार से यहाँ पे बोलना है, आज मेरे को शिकार करना है कहाँ से करूँ, या इसकी कॉपी कर कर देना है, इसको आपको अपनी कॉपी में लिख देना है, फिर उसी को सेम आपको यहाँ से
आपको रिकॉर्डिंग से आपको रिकॉर्ड कर देना है। यदि आपके पास पहले से रिकॉर्ड की हुई गैलरी में है तो आपको इस ऑडियो पे जाना है। ऑडियो पे जाने के बाद यहाँ से आपको सॉन्ग में जाने के बाद ऊपर से यहाँ पे मान लो ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इसे आपको ले लेना। तो इस प्रकार से नीचे ऐड हो जाएगा। देखिए मैं अभी ये बजेगा, मेरा म्यूजिक ही है। इस प्रकार से आपको ऐड कर देना। और अब आपको मेन क्या करना है, इस लेयर पे जाना है और टेक्स्ट पे, और यहाँ पे आपको अपनी चैनल का नाम ऐड कर देना है, मुकेश क्रिएटर 2.2। ये मैंने मेरी चैनल का नाम ऐड कर दिया है। ऊपर आपको कोने में ऐड कर देना। यहाँ में आप इसमें फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो भी यहाँ बहुत फॉन्ट आपको मिल जाते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उस फॉन्ट को आप सेलेक्ट कर दे सकते हैं। देखिए, और इसमें ओपेसिटी है उसे आपको 30 कर देनी है। 30 ज़्यादा कर देंगे तो वो बहुत बड़ा गहरा दिखेगा, फिर आपको वीडियो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। यह और करने के बाद इसकी लेंथ को वीडियो के बराबर लास्ट तक वीडियो के कर देनी है। वीडियो को इस प्रकार से छोटा करके वीडियो के लास्ट तक इस प्रकार से कर देनी है आपको। यह तक करने के बाद गाइज अब आपको क्या करना है, इसमें फिल्टर ऐड करना है। फिल्टर के लिए इस वीडियो पे ग्रीन वाले और यहाँ पे नीचे साइट में स्क्रॉल करना है, फिल्टर लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर मिल जाते हैं, देख सकते हैं आप, या हैं ये विविड मोनो, इस प्रकार से अलग अलग मिल जाते हैं। जो भी आप करना चाहते उस फिल्टर को आपको ऐड कर देना। फिर आपको एडजस्टमेंट पे जाके ब्राइटनेस हैवी करनी है तो थोड़ी लो करनी है, कर सकते हैं। कॉन्ट्रेस्ट है, इसे आप हैवी लो कर सकते हैं। इतना कुछ होने के बाद गाइस अब आपका वीडियो तैयार है। अब वीडियो को आपको यहाँ से सेव कर देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ जाने के बाद या हाई लो क्वालिटी में आपको वीडियो को सेव कर देना है और अपनी चैनल पे अपलोड करना है। आई होप आपका वीडियो बहुत अच्छा चलेगा। थैंक्स वीडियो को वॉच करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।